बोधगया में ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह की पर्दाफाश किया। बोधगया थाना क्षेत्र के एक होटल से पुलिस की कार्रवाई में 16 अपराधियों को पकड़ा गया। उनमें 6 अपराधी कर्नाटक के शामिल हैं। शेष गया, नवादा सहित नालंदा जिले के अपराधी गिरफ्तार किए गए। ये ऑनलाइन ठगी करने का बड़ा धंधा संचालित कर रहे थे। उन्होंने कई को अपना शिकार बनाया। संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान SSP आदित्य कुमार ने मीडिया को बताया कि अपराधियों के संदर्भ में सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की। 16 अपराधियों को पकड़ लिया। ये लोग साइबर ऑनलाइन क्राइम के धंधे को संचालित कर रहे थे। SSP ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में बोधगया प्रखंड के 12 का रहने वाला चंदन कुमार मास्टरमाइंड है। किसी ने कर्नाटक के अपराधी को भी बुलाया था। साथ ही SSP ने बताया कि अपराधियों के साथ साथ काफी सामानों की भी बरामदी की गई है। हर के लिए गया से 24 जो है महंगे स्मार्टफोन है और 21 जो है फीचर फोन है, छोटे छोटे जो होते हैं। नए और पुराने सिम कार्ड मिले हैं, फर्जी स्टैंप मिले हैं जो अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनियों के नाम से स्टैंप लगाते थे, और जो 10 किलो के पैम्फलेट बने हुए मिले हैं कि शॉप क्लूज या किसी जो छोटी छोटी साइट्स होती हैं उनके नाम से जो कूपन बना के लगाते थे, स्क्रैच कार्ड्स वगैरह थे वो भी मिले हैं, एक डेल कंपनी का लैपटॉप मिला है जिसमें काफ़ी डिटेल्स मिली हैं आगे पीछे की, कलर प्रिंटर थे 2। और जब ये लोग गए तो इन्होंने देखा कि ये लोग पार्टी वहाँ मना रहे थे। 5 जो है शराब की बोतलें मिली कैप्टन ब्लू, किंगफिशर की 16 केन मिली हैं, नकली ID मिले हैं लोगों के, और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं 3, एक हीरो होंडा ग्लैमर, TVS अपाची और एक KTM। और इस भारी संख्या में और भारी मात्रा में अलग अलग विभिन्न प्रकार के की डायरियाँ कॉपियाँ जिनमें अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं और डिटेल हैं और कैसे कैसे ठगी कहाँ कहाँ करते थे, किस किस तरह से किस किस को पकड़ते थे वो है। और बाकी इन लोगों का अपना रहने का, क्योंकि 1 महीने से रह रहे थे, काफ़ी महंगी महंगी घड़ियाँ और आपका गांजा मिला है इसमें, इनके साथ में गांजा भी मिला है, लगभग 1.5 किलो गांजा मिला है इनके साथ। तो इन लोगों ने जाके उसको देखा, उसमें इन लोगों ने आगे उसको सत्यापन किया। पूछताछ के क्रम में पता लगा कि एक गिरोह है ATM फ्रॉड एवं अन्य फ्रॉड करने का, और इनका जो MO है वो भी बड़ा यूनिक है। ये लोग क्या करते थे कि विभिन्न जिलों में, जो यहाँ खासकर नालंदा ज़िला में कुछ लोगों के नाम आए हैं, उनके माध्यम से ये लोग फर्जी स्क्रैच कार्ड वगैरह भी बनवाते थे, और साथ ही में उनके माध्यम से जो ऑनलाइन ठगी करते थे उनका डेटा ये लोग ले लेते थे। डेटा लेने के बाद उससे परस्यू करते थे विभिन्न, उनको भ्रांतियाँ दे देकर कि आपका स्क्रैच कूपन निकला है तो ये निकला है, किसी को सोने का सिक्का दिखा के भी ऐसा है वैसा है, ये सब करते थे, उसमें पोस्ट करते थे। उसके बाद जब ये उसे डकैती या जो इनका डकैती ही कहेंगे क्योंकि इस तरह का जो काम कर रहे हैं सबको बेवकूफ बना के, ये उसकी ठगी करते थे। ठगी करने के बाद फिर सारा डेटा उसका डिलीट कर देते थे। उसमें खास बात ये है कि जिस होटल में ये किया गया, छापेमारी की गई, उस होटल का नाम क्या है इसका? कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है होटल पे, कोई नाम नहीं है। अच्छा, गेस्ट हाउस टाइप का है, उसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है। और ये लगभग 1 माह से तो ये लोग रह रहे थे, और इनके पास एक इन्होंने करार कर रखा है। करार के मतलब इनको ये था कि 5-6 महीने तक ये लोग वहाँ रहेंगे। इसका मतलब जो होटल मालिक था उसकी भी पूरी संलिप्तता है, उसको पता था ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने उसको पूरा होटल को भी सील किया है CO के माध्यम से, और उसको राजसात भी हम लोग करेंगे। अभी वो नहीं पकड़ाया गया, वो भाग गया था। इसमें केस दर्ज किया गया है सभी के विरुद्ध में, उत्पाद अधिनियम लगाते हुए, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम लगाते हुए, NDPS एक्ट की सुसंगत धाराओं में 419, 420, 467, 468, 471, 72, 34 और 120 IPC के तहत इसमें किया गया है। इसमें हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लिंक्स हम लोगों को मिले हैं जो और भी जिलों से एवं 1-2 राज्यों से इसमें एसोसिएटेड हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो 16 आदमी की टोटल गिरफ्तारी हुई है, इसमें से एक अरुण है जो बेंगलोर से हैं, दीपक ये भी बेंगलोर का है रहने वाला, गजेंद्र, शिवा, चंद्रशेखर, जुवेद, चंदू, प्रभाकर, विलास, ये जो विलास है ये हुबली वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, कर्नाटक हुबली, अच्छा। एक बाकी इसमें आलोक, चंदन, रोशन, आशीष, ये सब यहीं गया जिला के हैं, और करण और शिव इसमें जो है नवादा जिला के हैं। इसमें इन लोगों से पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने और भी नाम बताए हैं, जिसके लिए हम लोगों की जो विशेष टीम है यहाँ से अलग विभिन्न जिलों में छापेमारी करने गई हुई है, और उम्मीद है कि उनको वहाँ से भी एक अच्छी रिकवरी होगी। इन लोगों का MO बड़ा ही यूनिक टाइप का था, और
ये इन लोगों ने कुछ कुछ जो पुराने हैं कबूले हैं जो यहाँ पे कुछ कुछ घटनाएं हुई ऑनलाइन फ्रॉड की, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी केसेस जो पुराने कुछ दिनों में हुए हैं उन लोगों को भी डिटेक्ट करके